शिवदास और मदर वर्मा 361 नगर विधानसभा बलिया जी, आपने नामांकन कर दिया है और बीएसपी से सदर विधानसभा से, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? बीएसपी के क्या एजेंडा है, किन सोच के तहत चुनाव लड़ रही है बीजेपी? बीएसपी का तो एजेंडा हमेशा ही रहता है कि बहुजन हिताय हिताय, बहुजन सुखाय, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का और विकास कार्य करने का और कानून व्यवस्था का मुद्दा बीएसपी के शासनकाल लोगों ने, यहाँ की प्रदेश की जनता ने भली बात देख लिया है कि बहन जी किस तरह से शासन चलाती हैं। चार चार बार हमारी बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जनता उनसे अनभिज्ञ नहीं है। लोग कानून व्यवस्था की ही डिंग हांकते हैं कि हमारे शासनकाल में बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, लेकिन उस इससे कई गुना बेहतर व्यवस्था हमारे बहन जी के शासनकाल में रहा है जी। अभी आप नगर क्षेत्र में रहे भी हैं, आपके यहाँ पे प्रॉपर घर भी है, आप 5 साल पूरा कार्यकाल देखिए जो सरकार जिसकी अभी खत्म हुई है जी, जी क्या कहना चाहेंगे, क्या रहा बलिया का, क्या विकास हुआ 5 साल में और आप रहे क्या मानते हैं? प्रदेश सरकार तो कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ नगर पालिका परिषद, विधायक और सांसद तीनों रूलिंग पार्टी के हैं और बलिया नरक बना हुआ है, एकदम नरक। यहाँ जो भी आएगा वो कभी इसको किसी शहर की व्यवस्था से नहीं देख पाएगा, लगता ही नहीं कि सिटी एरिया है। सड़कें एकदम टूटी फूटी हैं, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है चारों तरफ, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। अब बरसात के दिनों में यहाँ के लोग क्या अनुभव करते हैं, मतलब हमको लगता है कि एक नरक से भी बेहतर जिंदगी यहाँ के लोग अनुभव करते होंगे। हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी नरक से बेहतर अनुभव करते होंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। दो दो मंत्रियां रहे हैं यहाँ पे, दो दो मंत्री रहे हैं, लेकिन मगर बलिया की उपेक्षा क्यों हुई है आज तक, अब क्या मानते हैं? यहाँ के मंत्री उदासीन रहे, जनता ने उनको वोट दिया, बम्पर वोट दिया, लेकिन उनकी उदासीनता इतनी ज्यादा रही कि जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ के सांसद कभी हमको लगता है जनता से कोई मतलब ही नहीं है, केवल वोट लेने आते हैं और उसी तरह से प्रत्याशी इस बार भी आए हुए हैं कि वोट लेंगे और चले जाएंगे, जनता ही कोई सुध नहीं लेगा। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरीके से विकास बलिया का विकास करेंगे और क्या सबसे पहला तो व्यवस्था यहाँ की सड़कें सही हो, जो जल जमाव है, जो भयंकर जल जमाव है, यहाँ की सीवर व्यवस्था दुरुस्त कराया करके भयंकर जल जमाव को दूर करना है। और यहाँ पेयजल की स्थिति इतनी खराब है कि पानी पीना तो दूर, मतलब पानी छूना भी मुश्किल है, नहाना भी मुश्किल है, इस तरह की यहाँ की पेयजल की व्यवस्था है जो कि डिंग हाँका जाता है केंद्र सरकार द्वारा की स्वच्छ पेयजल योजना, ये योजना वो सब योजना कहाँ गई? बलिया के लोग वोट नहीं देते हैं क्या? तो क्या जनता क्या धरातल पे है, क्या योजना है सरकार की, योजना धरातल पे है क्या इस समय? बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर जी। ये बताइए, आपके सामने बीजेपी से एक बड़े नेता सामने हैं, फिर से एक सपा के बड़े नेता नारद रहे हैं, कैसे आप इस चुनौती को मान के और अपना फतेह करेंगे? बड़ा नेता कैसे हैं? बड़ा नेता तो जनता ने चुना है, तो बड़े नेता हैं, जनता हमको चुनेगी, हम भी बड़े नेता हो जाएंगे और उनसे बढ़ चढ़ के जनता की सेवा करेंगे, इस कामना के साथ हम विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं। बड़ा नेता छोटा नेता तो जनता ही बनाती है, जनता जिसको चुन देती है वो बड़ा हो जाता है, नहीं चुनती वो छोटा रहता है। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बीएसपी के आप यहाँ के सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के माध्यम से, हम लोग मीडिया के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का वो है, बीएसपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी वर्ग हमारा समर्थन करेंगे और हम लोग सेवक समाज से हैं, सेवा करने वाले समाज से हैं और जनता की सेवा में ही रहेंगे। धन कमाना, लफंगई करना, गुंडई करना, ये हम लोग जहन में बिल्कुल नहीं है, सेवा करना हम लोग जहन में है और निश्चित रूप से जनता की सेवा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो अधूरे काम, अधूरे जो काम है यहाँ के पूरे होंगे? एकदम पूरे होंगे, प्राथमिकता के आधार पर पूरे होंगे। अब बढ़ चढ़ कर वो घर बैठने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए लगना पड़ता है, उसको लग करके पूरा कराएंगे। लगातार सपा के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी केवल बहुजन समाज पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है, केवल जीतने के नहीं ये बीजेपी को जिताने के लिए लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो निराधार आरोप है। अब यहाँ बीजेपी को जिताने के लिए प्रत्याशी बन जिन्हें थोड़े दिया है, बीजेपी को जमीन में भेजने के लिए प्रत्याशी दिया है। यही समीकरण आप देख लीजिए, उसके बाद अन्य विधानसभाओं का समीकरण देखिए, हर जगह वही स्थिति है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।